एनिमल्स रायपुर ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ। पिछले 4 सालों से मैं और कुछ और 2-4 लोग हमने कुछ एनिमल्स को सड़क पर रोका जिन्हें बहुत चोट लगी हुई थी और जिन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। उस समय हम भी कॉलेज में थे और हमने ढूंढा कि कोई तो ऐसी संस्था होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऐसे लोग होंगे जो इन एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ काम करते होंगे, और मुझे कोई भी नहीं मिला। बस उसी दिन से हमारी एक सोच शुरू हो गई कि एनिमल्स के लिए काम करने की। इट्स बीन अराउंड 5 लॉन्ग ईयर्स। हम रुके नहीं हैं, हमने बहुत ही ग्राउंड लेवल से अपने समय के अनुसार धीरे धीरे एनिमल्स को बचाना शुरू किया। एंड इट वॉज जस्ट अवर पैशन। हर एक एनिमल को बचाते बचाते हम धीरे धीरे हमारा कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छा होते गया, हम नई चीज़ें सीखने लगे और आज धीरे धीरे हम लगभग 3,500 एनिमल्स को रेस्क्यू कर पाए हैं। उनमें से कुछ बहुत क्रिटिकल, ऐसे एनिमल्स जो कभी रोड पर सर्वाइव नहीं कर सकते थे, वो आज हमारे पास हैं एंड दे आर 40 इन नंबर्स। लाइक दिस लिली, लिली को लास्ट ईयर आमापारा से रेस्क्यू होके हमारे पास में आई हुई थी। एक बाइक ने इसके पीछे के हिस्से को, बैक को बहुत जोर से थ्रैश किया था जिसकी वजह से इसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई थी। उसके बाद से ये उठ नहीं पाई। इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग फॉर लिली बिकॉज ये सिर्फ 1.25 साल के आसपास की है। शी हैज़ नॉट इवन लिव्ड हर लाइफ और शी कुड नॉट एक्सेप्ट कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊँगी। हमने इसका ट्रीटमेंट कराया, ये बहुत वीक भी थी उस समय, खाना नहीं खाती थी। इसे ऐसी कोई जगह पे रहने की आदत नहीं थी जहाँ पे दूसरे बीमार ख्याल एनिमल्स हमारे साथ में रहते। बट स्लोली विद टाइम, विद केयर एंड विद लव, लिली ठीक होने लगी एंड नाउ शी इज़ अ वेरी लवली चाइल्ड। बट हमारी जर्नी 1 डॉग, 2 डॉग, 100 डॉग, 50 डॉग, इनको रेस्क्यू करके ख़त्म नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम एमरजेंसी फैसिलिटी दे पाएँ एनिमल्स को रेस्क्यू करने की,